हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये जो टॉपिक है ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का एक पार्ट है, जहां पे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो मैनेजर्स इंटेंशनली क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर द सिस्टमैटिक वर्किंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, तो उसके फीचर्स क्या होते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला फीचर कहा गया है कि इट इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसे इंटेंशनली मतलब जानबूझ करके क्रिएट किया जाता है, फॉर्मली क्रिएट किया जाता है मतलब क्रिएट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस का मतलब आपको मालूम होगा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइज करने का उससे क्या होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है और ये काम मैनेजर्स करते हैं। दूसरा पॉइंट कहा गया है द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम मिशन भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है या गोल है उसको अचीव करने के लिए पर्पसफुली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए। थर्ड पॉइंट कहा गया है ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हर एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है उसके पास एक स्पेसिफिक जॉब है, उसकी नॉलेज के बेसिस के ऊपर, उसके एजुकेशन के बेसिस के ऊपर, उसकी स्किल्स के बेसिस के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर, तो ये उसको जॉब प्रेफर की जाती है। हर एक इंडिविजुअल के पास खुद का एक काम होता है जिससे जॉब रिपीट नहीं होता और जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का वो नहीं होता। फोर्थ पॉइंट इज एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ फिक्स्ड अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर। अब अथॉरिटी का मतलब ही होता है पावर टू टेक डिसीजन। हर एक इंडिविजुअल के पास कोई ना कोई अथॉरिटी जरूर होती है क्योंकि सबसे पहले दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद ही आता है अथॉरिटी, और अथॉरिटी देने के बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसके बाद ही अथॉरिटी देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ ड्यूटी और टास्क। तो जब ऑब्लिगेशन मिल गया आपको तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी मिलेगी, दैट इज पावर टू टेक डिसीजन। और इसके बाद लास्ट में आता है अकाउंटेबिलिटी। अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो यू आर अकाउंटेबल मतलब यू आर आंसरेबल कि काम क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। फिफ्थ पॉइंट इज इट रिजल्ट्स इन क्रिएटिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जब हमने हर एक इंडिविजुअल को कुछ कुछ अथॉरिटीज दे दी तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी, उसे हम कहते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। उसके बाद जो इंडिविजुअल्स आते हैं वो होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स, और उसके बाद जो होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, और उसके नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, हर वर्कर के पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी के बेसिस के ऊपर उनके पास अथॉरिटी भी है। और लास्ट पॉइंट कहा जा रहा है इट क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्केलर चेन है, कम्युनिकेशन का एक स्केलर चेन है कि जहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दूसरे इंडिविजुअल से होते हुए तीसरे इंडिविजुअल तक पहुँचती है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो हमेशा रिटन फॉर्म में होती है। रिटन फॉर्म में इसलिए होती है, आपको मालूम होगा कि आप जब भी एप्लीकेशन लिखते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हमेशा रिटन होती है। तो ये जो लीव एप्लीकेशन है या किसी भी फॉर्मेट की एप्लीकेशन है जो हम देते हैं, इससे ये हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी चीज़ की जानकारी है, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन या सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है वो फॉर्मली किया जाता है और वो हर एक लेवल से गुजरता है। तो इसके लिए कहा गया, और ये हर लेवल से इसलिए गुजरता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को जानकारी रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली चल क्या रहा है। इट क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।